हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 87 सीट जीतने वाले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज एक सीट पर सिमट कर रह गई है और अब तो इनेलो पार्टी का प्रदेश स्तरीय दर्जा भी खतरे में है। अगर इन लोकसभा चुनाव में 6% वोट एक सीट या 8% वोट नहीं मिले तो इनेलो से प्रदेश स्तरीय पार्टी होने का दर्जा भी छिन जाएगा। बात यह है कि नौबत क्यों आई, इसका जीता जाता उदाहरण कैथल में अभय चौटाला के पहुंचने पर देखने को मिला। जब कैथल के एक पत्रकार ने अभय चौटाला से पूछा कि आपने चुनाव लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना, तो अभय चौटाला बौखला गए। देखें फिर अभय चौटाला ने क्या कहा। और उनके पुण्यतिथि के बाद हम तय करेंगे, आपसे पूछ के लड़ूंगा, मुझे कहाँ से लड़ना। नहीं, मैं आपसे पूछ के लड़ूंगा, ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ताओं का फैसला। लोगों का कहना है कि अगर यही व्यवहार नेताजी का रहा तो इनेलो हरियाणा में लोकसभा सीट जीतना तो दूर, विधानसभा में एक सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। पिछले दिनों भी कैथल में एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप ग्रुप में अभय चौटाला के बारे में कुछ लिखा तो नेताजी बौखला गए और उनके बारे में मंच से क्या कहा, देखिए। सोशल मीडिया पे बहुत नई बकवास शुरू कर रखी है कांग्रेस ने। कांग्रेस का लड़का है दाढ़ी बाल कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पोस्टें डालते हैं, वो आजकल एक वेबसाइट पे कोई सीरियल चलता है, एक कोई उसकी तुलना मेरे साथ कर रखी है। ऐसे लोग अपने आप सुधर जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता सुधारने में कसर नहीं छोड़ेगा। हम वो लोग नहीं है जो मर्जी आए गाड़ी दे दे, हम उसको सुन ले सेंड कर, हम गाड़ियां सेंड करने वाला नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी वो पोल खोल दूंगा जो किसी ने आज तक खोली नहीं होगी। मैं वो बातें सोशल मीडिया पे अपने लोगों को कहूंगा कि लगाओ, जिससे इनको हर जगह शर्मसार होना पड़े, ना समझ लोगों से इस तरह की चीजें लिखवा करके किसी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मैं लिख ली भी उस पर नोटिस लूंगा और उसके साथ साथ अपने कार्यकर्ता को कहूंगा कि जहां भी मिले इसको ठीक से सुधारो, इसकी जबान भी ठीक कर दो, इसका दिमाग भी ठीक कर दो। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 87 सीट जीतने वाले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज एक सीट पर सिमट कर रह गई है और अब तो इनेलो पार्टी का प्रदेश स्तरीय दर्जा भी खतरे में है। अगर इन लोकसभा चुनाव में 6% वोट एक सीट या 8% वोट नहीं मिले तो इनेलो से प्रदेश स्तरीय पार्टी होने का दर्जा भी छिन जाएगा। बात यह है कि नौबत क्यों आई, इसका जीता जाता उदाहरण कैथल में अभय चौटाला के पहुंचने पर देखने को मिला। जब कैथल के एक पत्रकार ने अभय चौटाला से पूछा कि आपने चुनाव लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना, तो अभय चौटाला बौखला गए। देखें फिर अभय चौटाला ने क्या कहा। और उनके पुण्यतिथि के बाद हम तय करेंगे, आपसे पूछ के लड़ूंगा, मुझे कहाँ से लड़ना। नहीं, मैं आपसे पूछ के लड़ूंगा, ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ताओं का फैसला। लोगों का कहना है कि अगर यही व्यवहार नेताजी का रहा तो इनेलो हरियाणा में लोकसभा सीट जीतना तो दूर, विधानसभा में एक सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। पिछले दिनों भी कैथल में एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप ग्रुप में अभय चौटाला के बारे में कुछ लिखा तो नेताजी बौखला गए और उनके बारे में मंच से क्या कहा, देखिए। सोशल मीडिया पे बहुत नई बकवास शुरू कर रखी है कांग्रेस ने। कांग्रेस का लड़का है दाढ़ी बाल कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पोस्टें डालते हैं, वो आजकल एक वेबसाइट पे कोई सीरियल चलता है, एक कोई उसकी तुलना मेरे साथ कर रखी है। ऐसे लोग अपने आप सुधर जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता सुधारने में कसर नहीं छोड़ेगा। हम वो लोग नहीं है जो मर्जी आए गाड़ी दे दे, हम उसको सुन ले सेंड कर, हम गाड़ियां सेंड करने वाला नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी वो पोल खोल दूंगा जो किसी ने आज तक खोली नहीं होगी। मैं वो बातें सोशल मीडिया पे अपने लोगों को कहूंगा कि लगाओ, जिससे इनको हर जगह शर्मसार होना पड़े, ना समझ लोगों से इस तरह की चीजें लिखवा करके किसी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मैं लिख ली भी उस पर नोटिस लूंगा और उसके साथ साथ अपने कार्यकर्ता को कहूंगा कि जहां भी मिले इसको ठीक से सुधारो, इसकी जबान भी ठीक कर दो, इसका दिमाग भी ठीक।